हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। तो आज हम HTML में स्टाइल कैसे करते हैं, HTML का कोड कैसे अच्छा दिख सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। स्टाइल मतलब कि हमारा CSS नहीं बल्कि हमारा HTML का कोड ही कैसे अच्छा दिख सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, जो हमें करना चाहिए, दैट इज ऑलवेज राइट द डॉक्यूमेंट टाइप। ये मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। कंट्रोल से सेव करेंगे। ये क्या बताता है हमें कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML है हमारा। ये जब कोई और डेवलपर रीड करता है हमारा कोड तब हेल्प करता है। ये सारी चीजें तभी हेल्प करती हैं जब क्या है ना, जब हम कई प्रोफेशनली काम करते हैं तब हम अकेले डेवलपर नहीं होते, बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं, तो हमें सबको देखना पड़ता है कि वो कोड हमारा समझ पाएगा कि नहीं। तो HTML का स्टार्टअप टेम्पलेट लिख लेते हैं। देखिए स्टार्टअप टेम्पलेट लिखते हैं तो अभी आता ही है। तो लेक्चर आई थिंक इट इज 25 HTML। कंट्रोल से सेव। HTML स्टाइल गाइड। कंट्रोल से सेव। तो नेक्स्ट जो हमारा होता है, देखिए कि हमें हमेशा लोअर केस यूज करना है बॉडी। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे बॉडी के अंदर देखिए कैपिटल लिख देते हैं। अब कैपिटल नहीं यूज करना, हमें स्मॉल केस के टैग यूज करने हैं सारे। कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है ऐसी कि मैं कैपिटल लिख देता हूँ, बट हमें स्मॉल यूज करना है। स्मॉल हमारा आइडियल केस होता है। तो मैं लिख देता हूँ नो टैग्स शुड बी इन कैपिटल। दिस इज गुड। ये गुड है, ये करना सही है, दिस इज गुड, बट कैपिटल में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज होती है कि हमारे को सारे चीजें क्लोज करनी चाहिए, सारे पैराग्राफ। कई बार क्या होता है, लोग भूल जाते हैं। जैसे H1 लिखेंगे हेलो, क्लोज नहीं करेंगे। अब इसको क्लोज नहीं करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। तो देख सकते हैं ये हेलो हेडिंग वन तो दिख रहा है, बट इसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे वो सारा हेडिंग वन में ही आएगा। देखिए पूरा हेडिंग वन में ही आया, तो हमें हमेशा टैग को क्लोज करना है। कंट्रोल से सेव। मैं लिख देता हूँ ऑलवेज क्लोज योर टैग। और कई बार क्या होता है, जैसे हम क्लास नेम देते हैं क्लास, और यहाँ तो मैंने स्मॉल केस यूज किए। कई लोग क्या करते हैं, तो दिखाते हैं चलो क्लास ऐसे लिख देते हैं। हमें वो यूज नहीं करना, हमें हमेशा स्लोअर केस यूज करना। क्लास देखते हैं। और नेक्स्ट केस हमारा होता है, कई बार लोग मैं पैरा एक बना लेते हैं पैरा से। कई बार क्या होता है, लोग आईडी देते हैं इज इक्वल टू 2 3 कुछ भी आईडी देख लीजिए, इज इक्वल टू पैराग्राफ लिख देते हैं। अब ऐसे थोड़ी काम चलेगा, हमें क्या करना है, डबल कोट जरूर लगाने हैं हर बार, डबल या कोट सिंगल कोट। तो ऑलवेज यूज कोट्स इन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में कोट्स हमेशा यूज करने हैं। और जब हम भी कोई भी इमेज टैग देते हैं, इमेज टैग, तो हमें सोर्स तो देना ही है इमेज का, साथ में हमें ऑल्ट ऑल्ट भी देना है, विड्थ विड्थ भी देनी है और हाइट भी देनी है।
अभी मैं यहाँ नहीं दे रहा, आप बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोर्स ये सारी चीजें डाल देना इमेज, मेरे पास अभी इमेज अवेलेबल नहीं। ऑलवेज गिव ऑल फील्ड एट्रिब्यूट इन इमेज टैग, और भी दे सकते हैं एट्रीब्यूट, बस ये सारे तो आपको देने ही देने इमेज टैग के लिए। और हम जैसे पैराग्राफ लिखते हैं, ये मैंने एक पैराग्राफ यहाँ लिखा है, आपको ये ऐसे नहीं करना है इसके अंदर ऐसे ऐसे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया पैराग्राफ सबको इग्नोर ही करता है, देखिए अभी मैंने कर रखा है वैसे फिर भी पैराग्राफ इग्नोर ही करता है, तो आपको ऐसे नहीं देना। हमें कैसे करना है, नॉर्मल एक ही लाइन में जितना कम स्पेस हो सके हमें उतना कम कम यूज करना है कोड की लाइन्स, ज्यादा कोड लाइन लिख के क्या फायदा, कम में ही फायदा हमारा, एफिशिएंट कोड कहते हैं कम कोड। और टाइटल का भी स्किप नहीं करना हमें, टाइटल जैसे कि मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता, तो नेवर स्किप टाइटल टैग। जैसे हमने टाइटल स्किप नहीं किया वैसे ही हमें बॉडी और बॉडी टैग भी स्किप नहीं करना, कई लोग क्या है बिना बॉडी के हेड में सब कुछ लिख देते, हमें बॉडी में लिखना है स्किप नहीं करना, नेवर स्किप बॉडी टैग। ये सारे रूल्स हैं आप लिख लीजिएगा कि या आप प्रैक्टिस के साथ तो याद ही हो जाते हैं। और हो सके तो हमेशा लैंग भी दिया कि अपने टैग में लैंग इज इक्वल टू ईएन है, हमारी इंग्लिश की लैंग इज इक्वल टू ईएन का मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसका मतलब होता है कि हमारा जो वेब पेज है वो इंग्लिश में है। हो सके तो मेटा टैग भी दीजिए, मेटा टैग मैंने आपको पढ़ाया था पेज को कैसे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं उस वाले लेक्चर में भी और पहले के हेड वाले लेक्चर में भी, मेटा टैग ये हमने दे दिया है। व्यू पोर्ट भी सेट हमेशा कीजिए, व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग भी मैंने आपको बताया था, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट content is equal to width is equal to device width comma initial scale is equal to 1.0। so ये दो टैग आपको लिखने हैं हमेशा, आप इसके बिना आपका कोड अच्छा नहीं लगेगा और रिस्पॉन्सिव भी नहीं रहेगा, और कोई और डेवलपर पड़ेगा तो उसको लगेगा ये तो बहुत नया डेवलपर है इसको कुछ नहीं आता, तो आपको ऐसा नहीं दिखाना, आपको सब कुछ आता है आप दिखाना। और कमेंट देना, कमेंट जैसे कि मैंने हर जगह कमेंट दिया आपको समझाने के लिए, कमेंट आप कुछ भी दे सकते हैं हर जगह ताकि उस डेवलपर को आपकी सारी चीजें समझ आए। और जावास्क्रिप्ट जब यूज करते हैं तो हमें स्क्रिप्ट में यूज करना है, और सीएसएस हमें हो सके तो अलग फाइल बनानी है, एक्सटर्नल सीएसएस यूज करनी है, ये भी रूल होते हैं एचटीएमएल के, क्योंकि इनलाइन सीएसएस अच्छा नहीं लगता हमेशा, तो दैट्स इट, एक्सटर्नल यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है जावास्क्रिप्ट भी और सीएसएस। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर ऑन indiancoding.com।